गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि नेचुरल रिसोर्स का ही है। पिछले कुछ क्लासों में हम लोग रिसोर्स के ऊपर डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्स के अंदर हमने देखा था बायोटिक रिसोर्स के बारे में, एबायोटिक के बारे में, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट के आधार पर देखा था हम लोगों ने, ठीक है, एक्चुअल देखा था, पोटेंशियल देखा था। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, तो रिसोर्स का इंडिकेट हो रही है, ठीक है, चर्चा हो रही है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, यूटिलिटी भी कह सकते हैं आप, ठीक है, और रिन्यूएबिलिटी भी कह सकते हैं। तो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, यूटिलिटी और रिन्यूएबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और किन किन भागों में बांटा गया है, इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, चलिए देखते हैं इन दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है नेचुरल रिसोर्स को दो भाग में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक यूटिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक यूटिलिटी नेचुरल रिसोर्स फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल, चलिए तो इसके बारे में डिस्कस कर ले, थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, तो सीधी सी बात करें कि दीज आर द रिसोर्सेस दैट के, ठीक है, रिन्यूड, ठीक है, और रिप्लेसिंग क्विकली, ठीक है, ये सारे जो रिसोर्स हैं, ठीक है, आसानी से क्या हो सकते हैं, आपके रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है, रिन्यू क्विकली, आसानी से अपने ओरिजिनल फॉर्म में, वास्तविक रूप में ये चले आते हैं, ठीक है। और भी क्या इनके और भी क्या इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो रिन्यू हो सकते हैं आसानी से, ठीक है, ये रिसोर्स। अगर बात करें ये अनलिमिटेड है, ठीक है, इनका जो स्टॉक है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड स्टॉक, ठीक है, अनलिमिटेड स्टॉक है इनका, ठीक है, काफी भारी मात्रा में है, हमारे पृथ्वी में मौजूद है, ठीक है, प्रकृति ने काफी योगदान दिया, तो जो भी रिसोर्स दिए गए हैं उनको अच्छे ढंग से हम लोग को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो रिन्यूड क्विकली, ठीक है, आसानी से ये रिन्यूड हो जाते हैं, ठीक है, रिन्यूटी का मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग, ठीक है, रिन्यूड, आसानी से अपने वास्तविक रूप में, नए रूप में वो आ जाए। और दूसरा कि अनलिमिटेड स्टॉक है रिन्यूअल रिसोर्सेज का, ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं हम, एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की चर्चा कर ले हम लोग, ठीक है, तो सनलाइट, ठीक है, एयर है, ठीक है, विंड एनर्जी है, ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। तो रिन्यूअल रिसोर्स काफी इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। और जो ह्यूमंस है, कभी कभी क्या होता है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटी होता है, ठीक है, तो इन सारे रिसोर्स पे इनका कोई ह्यूमन एक्टिविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो ये काफी मुख्य थे। चलिए अब दूसरी ओर डिस्कस करते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में, ठीक है। जैसा आपने देखा कि ये रिन्यूड हो सकते हैं, दीज रिसोर्सेज दैट मे नॉट बी रिन्यूड, ठीक है, ये रिन्यूड नहीं हो सकते, अपने वापस फॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है, इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक, ठीक है, लिमिटेड स्टॉक है। साथ साथ आगे बात करें कुछ और, ठीक है, ये एग्जॉस्टिबल, कुछ समय के बाद ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, इनका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है,
एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो कॉयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, इसके फ्री और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर ले हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये लिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, दीजिए उससे यहाँ लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, एग्जॉस्टिबल है, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म हो सकते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कॉयल का, नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का, लिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो भविष्य के जो फ्यूचर जनरेशन होने वाला है। ठीक है, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ऑटोमेटिक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बताएंगे कि एग्जॉस्ट होने का क्या हल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हम लोग को। तो कॉयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ठीक है, अगर ये सभी एक समय तक ही सीमित है, खत्म हो जाएगा तो फिर इनको बनाने में, ठीक है, वापस ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में करीबन हजारों साल लग जाते हैं, जो काफी नामुमकिन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, इसीलिए इनको एग्जॉस्टेबल कहा जाता है, लिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें थी आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, ये कुछ मुख्य बातें थी आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक यूटिलिटी ये काफी अहम था, और अंतिम में बस एक ही बात करेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की जो हम लोग यूज करते हैं तो एक सेंसिटिवली, ठीक है, जुडिशियली, मतलब न्यायपूर्ण रूप से, ठीक है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये एक समय के बाद जा सकते, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टेबल है ये, इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की। ठीक है, उनको हम लोग देख लेते हैं, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया, अभी हमने देखा यूटिलिटी स्टॉक के आधार पे, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो कितना कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, जो भी मिनरल्स है कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो यूबिक्यूटस रिसोर्स क्या है, तो दीज आर द रिसोर्स, दीज आर द रिसोर्स फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, ये जो रिसोर्स है सभी जगह पाए जाते हैं और मतलब, ठीक है, चलो देखते हैं कहां पे फाउंड एवरीवेयर। फाउंड एवरीवेयर एज फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट है, ठीक है, एयर है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये यूबिक्यूटस रिसोर्स आसानी से सभी जगह मौजूद है। ठीक है, चलिए लोकलाइज्ड रिसोर्स की बात करते हैं, तो लोकलाइज से आपको पता होना चाहिए कि लोकल। ठीक है, तो दीज आर द रिसोर्सेज फाउंड सर्टेन पार्ट्स इन द वर्ल्ड, हमारे जो संसार है, ठीक है, जो दुनिया है, ठीक है, किसी किसी जगह पे ये सारे जो रिसोर्स है, ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, किस टाइप के रिसोर्स है, तो ये सीधी सी बात करें, ठीक है, ये पाए जाते हैं लोकल। ठीक है, लोकल पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, तो लोकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इनके कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले तो मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स की बात कर ले, ठीक है, वाटर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो पाए जाते हैं, साथ साथ बात कर ले आयरन और, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, आयरन है, मैगनीज है, बहुत सारे, तो ये सभी चीजें आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि तो डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का, ठीक है, धरती पे है, पृथ्वी पे, वो अनइवन है ड्यू टू लैंड फॉर्म। ठीक है, कहीं कहीं लैंड फॉर्म दूसरे प्रकार के, इसके लिए वहां पे ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, ठीक है, वहां पे बात करें गोल्ड की, बहुत जगह डायमंड है। ठीक है, तो हर एक जगह अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंडिया में होता है पेट्रोलियम नहीं मिलता, ठीक है, आसाम में थोड़ा बहुत, या मुंबई रिफाइनरी, ठीक है, वहां सब, तो कहीं कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं कम है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर हर एक जगह बॉक्साइट है, माइका, बहुत सारे मिनरल्स है जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और ये है लोकलाइज्ड रिसोर्स।
ठीक है। तो चलिए आगे थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे हम लोग, एक अंतिम जो हमारा जो बच रहा है ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जो क्लासिफाइड करना है ठीक है, वो हमें करना है आपके ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है ऑनर्स, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इंडिविजुअल रिसोर्स ठीक है, बात करें ऑनरशिप के अंदर, ऑनरशिप के अंदर इंडिविजुअल रिसोर्स आते हैं ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिसोर्स आते हैं, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल, छोटा सा टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑनरशिप की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ठीक है, अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़े नेचुरल रिसोर्स के अंदर ठीक है। तो यहाँ पे बात करें ये चार प्रकार से बढ़ जाते हैं ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्दर नेचुरल रिसोर्स क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करें आगे थोड़ी सी ठीक है, तो दीज अदर रिसोर्सेज ऑनेड बाय ठीक है, ठीक है ऑनेड बाय इंडिविजुअल। ठीक है ऑनेड बाय इंडिविजुअल बात करें इसमें कि किस प्रकार से एग्जाम्पल पर बात करें हम लोग, फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें तो जो फार्मर होते हैं ठीक है, फार्मर से दौरान किए जाते हैं ठीक है। आगे बात करें अर्बन पीपुल की बात करें हम लोग ठीक है, अर्बन पीपुल की बात करें हम लोग तो अर्बन पीपुल इंडिविजुअल रिसोर्स है ठीक है, अर्बन पीपुल की बात करें इनके पास क्या प्रॉपर्टी हो सकता है ठीक है, अर्बन पीपुल्स तो इनके पास क्या आ सकते हैं ठीक है, नॉर्मली बात कर सकते हैं इनके खुद का प्रॉपर्टी होगा ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है, ऑन प्रॉपर्टी ठीक है, व्हीकल्स है ठीक है, इनके खुद के होम चलते हैं ठीक है, हाउसेज है ठीक है, ये सारे आपके जो है ठीक है ऑन प्रॉपर्टी, ये सारे आपके इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर आते हैं ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के सेकंड के बाद आगे बात करते हैं जो कि है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में क्या होता है उसको हम देखते हैं, कॉमन रिसोर्सेज का हम करते हैं कम्युनिटी ठीक है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कम्युनिटी मतलब समुदाय ठीक है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो ये सभी जो रिसोर्सेज होते हैं जो भी समाज के मेंबर्स होते हैं ऑल मेंबर्स ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी ठीक है, जितने भी समाज के लोग होते हैं उनका अधिकार होता है इस रिसोर्स के ऊपर, एज फॉर एग्जाम्पल से बात कर ले लोग ठीक है, किस चीज के ऊपर तो रोड ठीक है, पब्लिक प्लेसेस ठीक है। आगे बात कर ले तो सीधी सी बात कर सकते हैं कि रोड्स है, पब्लिक प्लेसेस है, पॉन्ड्स है ठीक है, ये सभी चीजों एक्सेट्रा की बात कर लेते हैं ठीक है, ये सभी चीजों के ऊपर क्या होते हैं अधिकार होते हैं ठीक है, ये सभी चीजों के ऊपर अधिकार होते हैं कम्युनिटी और रिसोर्सेस के। चलिए अगला बात करते हैं लोग नेचुरल रिसोर्स के बारे में, तो नेशनल रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम ठीक है। चलिए तो देखिए नेशनल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे तो जो भी हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री होता है ठीक है, जो है पॉलिटिकल बाउंड्री है या समुद्री क्षेत्र है ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र जो भी है ठीक है, उनके अंदर ही जो हमारे पास रिसोर्स है, कोई भी देश है उसके
उसके जो भी बॉर्डर्स हैं, ठीक है, जो भी उनके सीमा क्षेत्र हैं किसी दूसरे कंट्री से लगे हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी देश के अपने आंतरिक बॉर्डर की बात करें, ठीक है, तो वहां पर जो रिसोर्स उपलब्ध होते हैं वो उनके खुद के रिसोर्स होते हैं, वो नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सीधी तौर पे, तो यहाँ पे हम लोग सीधी तौर पे बात कर रहे हैं नेशनल रिसोर्स की, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें तो आंतरिक जो सीमा क्षेत्र है, ठीक है, किसी भी देश से सटे हुए उसके अंदर की बात करें तो अलग है भारत है, तो भारत का बॉर्डर है पाकिस्तान है, ठीक है, साथ साथ नेपाल है, भूटान है, ठीक है, चाइना है, ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं सटे हुए, तो लेकिन भारत के अंदर जो पर्टिकुलर बात है उनके अंदर रिसोर्सेज है, उनके ऊपर भारत का अधिकार है, तो वह आसानी से रिसोर्स के इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें कुछ, ठीक है, तो भारत के अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे, ठीक है, या जो भी रिवर्स होंगे, इट मीन्स वाटर, जो भी सॉइल होगा, ठीक है, जैलुबल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, मार्शल वगैरह, ठीक है, तो ये सभी जगह पे किसका अधिकार होगा, ठीक है, उस राष्ट्र का अधिकार होगा जो उनके पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर में आते हैं, ठीक है। चलिए हम अंतिम जो रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग का टॉपिक इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल रिसोर्स का जान लेते हैं कि आखिरकार इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है। दीज आर द रिसोर्स रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, संस्थान होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये रिसोर्स क्या होते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है, रेगुलेटेड बाय इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अभी जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है, तो वो जब भी चाहेंगे जितने भी ओशन है, ठीक है, जितने महासागर, ठीक है, तो सभी आपने पढ़ाएंगे कि ओशन जो है फूड प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, ठीक है, जितने भी ओशन के क्षेत्र आते हैं, जो भी आगे बात करें, ठीक है, उनके अंतर्गत तो एक संस्थान बनाया गया है, एक रूल्स रेगुलेशन है, इंटरनेशनल लॉज है, जिनके तहत अगर किसी कंट्री को कोई क्षेत्र पर अधिकार चाहिए तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मांग करेंगे, ठीक है, कि हमें इसकी आवश्यकता है। सपोज कीजिए कि यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी कंट्री को अगर यूरेनियम चाहिए तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मांग करेंगे, ठीक है, वो लोग बात करेंगे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर उनको सही लगेगा रूल्स रेगुलेशन के अंदर अगर वो सारी चीजें उपलब्ध होंगी तो किसी भी कंट्री को अधिकार दिए जा सकते हैं कि हाँ आप उस जगह से यूरेनियम ले सकते हैं इतनी मात्रा में, ठीक है। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिफाइन किए गए हैं उन्हीं के आधार पे वो लोग इंटरनेशनल रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे ओशन का हो, ठीक है, जितने भी किलोमीटर में फैला हो, ठीक है, किसी देश से जुड़ा हुआ हो, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा अंतिम टॉपिक था क्लासिक सिटीजन ऑफ द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा और टॉपिक है वैल्यू एंड रिसोर्स, उसको जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑनरशिप खत्म हो गया, हम लोग बात करना है वैल्यू एंड रिसोर्स की, अंतिम है, ठीक है, आज की क्लास का अंतिम टॉपिक है जो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमने नेचुरल रिसोर्स के आधार सारे जगह प्राप्त कर ली है, अब हमें देखना है मैन मेड रिसोर्स के बारे में। चलिए तो अब हम लोग मैन मेड रिसोर्स के बारे में पता कर लेते हैं कि आखिर मैन मेड रिसोर्स है क्या, ठीक है। ठीक है, मैन मेड रिसोर्स को आप ह्यूमन मेड रिसोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है।
सीधी सी बात करें यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स आर द रिसोर्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ ह्यूमन, ठीक है. सो इट्स लाइक एक्सट्रैक्शन है, ड्रिलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है. तो जो ह्यूमन्स होते हैं ना, ठीक है, सीधी सी बात करें जो ह्यूमन्स होते हैं, ठीक है, लाइक एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करके, ठीक है, ड्रिल करके, मैन्युफैक्चर करके, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम रिसोर्स करते हैं. तो मैनमेड रिसोर्स क्या करते हैं कि सीधी सी बात है जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, तरह तरह के अपने इनोवेशन सेटअप का इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्शन में, ड्रिलिंग में, ठीक है, ड्रिलिंग होगा तो जो कॉइल है कॉइल कैसे में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग खोजते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कॉइल है, कितनी मात्रा में उसको ड्रिल करते हैं, ठीक है. अब मान लो कि हमारे पास आयरन है तो उससे हम लोग किस प्रकार से सिप का निर्माण करेंगे, ठीक है, ट्रिंक निर्माण करेंगे, आयरन कहाँ का यूज किया जाएगा. तो इन सभी चीज में जो ह्यूमन है वो अपने माइंड का इस्तेमाल करता है, साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है. तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उसकी बात करें तो ये भी एक मैनमेड ही रिसोर्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी एक मैनमेड रिसोर्सेज है, ठीक है. तो यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं, सीधी सी बात फिर से करें तो ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात करें, जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, ठीक है, उन रिसोर्सेज को समझते हैं, ठीक है, उनको बनाते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी में रिसोर्स है. तो ये बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव की, ठीक है. तो मैनमेड रिसोर्स की कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पे ले लें तो बहुत सारी क्या ब्रिजेस, ठीक है, बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, रेलवे लाइन्स है, ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. आगे बात करें, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, आयरन ओर. देखिए पास की बात करें, बहुत साल पहले की बात करें तो इंसान आयरन ओर के बारे में नहीं जानता था कि क्या है, रिसोर्स है. जब उसने अपने आइडिया इनोवेशन डिस्कवरी को लगाया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तब उन्हें पता चला कि हाँ आयरन ओर भी एक रिसोर्स है. तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमने इस प्रकार से देखा मैनमेड रिसोर्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, कुछ चीजों को जाना है, ठीक है. तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया मैनमेड रिसोर्स. अगले टॉपिक में हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट जो भी इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे आप लोग कमेंट शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, हम उनके आंसर आपको देंगे. तो काफी अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और लोग नए टॉपिक लेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.